गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेज लॉ देखा था। इस लेक्चर में हम लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं लेंज लॉ। बेसिकली जो लेंज लॉ है, इसे आप डायरेक्शनल लॉ भी कह सकते हो। जो ये लॉ है, इसने जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है, ठीक है, फ्लक्स चेंज की वजह से, उसका इन्होंने डायरेक्शन अलॉटमेंट किया था, यानी डायरेक्शन की बातें करी थी। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि जब भी हमने बार मैग्नेट को मूव किया, तो जो क्वाइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड था, जो गैल्वेनोमीटर, उसमें डिफ्लेक्शन आया। इवन जब हम बैटरी से, जब हमने स्विच को ऑन ऑफ किया, तो भी डिफ्लेक्शन आया। तो अल्टीमेटली लेंज ने डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस कुछ ऐसे किया कि उन्होंने कहा कि जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, ये किस लिए इंड्यूस हो रहा है सर्किट में? तो एक्चुअली इंड्यूस होता है इन ऑर्डर टू अपोज दी चेंज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। अब यहाँ पर फराडे ने बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। अब इसमें इफ़ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट, देन द इंड्यूस करंट इन द क्वाइल सेट इटसेल्फ टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मैग्नेट। यानी अगर आपने डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जो आया है, वो किस लिए आया है? क्योंकि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ था सर्किट में। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ था? क्योंकि याद है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हम बात करें, फैराडेज का, वहां पर हमने बार मैग्नेट को मूव कराया था। तो अल्टीमेटली जो क्वाइल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर था, उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस किया या इंड्यूस किया इन ऑर्डर टू अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, उसका जो मेन पर्पस था वो टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मैग्नेट। Now, if the current is induced due to change in current in primary coil, then the induced current is such that it tends to stop the change. ठीक है, तो ultimately जो direction है of the induced EMF, it will be always opposite to the direction of change in flux. अब हम आते हैं लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द चेंज दैट प्रोड्यूसेज इट। ठीक है, इट इज़ द अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इन कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो लेंज थे, उन्होंने मैकेनिकल वर्क के कॉन्सेप्ट से उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया था, और जो फराडे लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से आया था। तो अकॉर्डिंग टू लेंज, उन्होंने बोला कि बेसिकली जब आप बार मैग्नेट को किसी क्वाइल के पास लाते हो, तो एक्चुअली आप एक वर्क डन कर रहे हो, और ये जो वर्क है बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, इफ हाउएवर द रिवर्स वुड हैपन, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट अपोज और एड द चेंज, देन द लिटिल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वुड प्रोड्यूस एंड इंड्यूस करंट विच वुड हेल्प द चेंज ऑफ फ्लक्स फर्दर, देयर बाई प्रोड्यूसिंग मोर करेंट। द इंक्रीज ईएमएफ वुड देन कॉज फर्दर चेंज ऑफ फ्लक्स एंड इट वुड फर्दर इंक्रीज द करेंट एंड शो ऑन। अल्टीमेटली यहाँ पर कंजर्वेशन की बात है। जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, उतना ज़्यादा, यानी जितना ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी होगा इन कंपेयर, उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एंड वाइसी वर्सा कैन बी ऑल्सो होल्ड्स गुड। ठीक है, नाउ एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ लॉ। तो देखिए, दोनों लॉ के बेस्ड में जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, बेसिकली वो आया माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि फ्लक्स के चेंज, फ्लक्स को अगर फ्लक्स इंक्रीज करा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ टेंड्स टू डिक्रीज इट, अगर फ्लक्स डिक्रीज करा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ टेंड्स टू डिक्रीज इट। तो बेसिकली इट कैन बी रिटन एज ई इक्वल टू माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई टी। और अगर मान लीजिए क्वाइल में एन टर्न्स है, तो यू कैन राइट ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और ई इज इक्वल टू माइनस एन फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी।
अब हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस करंट। तो देखिए इंड्यूस करंट का अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो जो ओम्स लॉ है जनरल उसी के अकॉर्डिंग ये भी चलता है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, ओनली डिफरेंसेज यहाँ पर EMF से हम रिलेट करते हैं। तो I इज इक्वल टू E बाई आर, फर्दर यू कैन सब्स्टिट्यूट E एज माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर I विल बी माइनस डी फाइव बाई डी टी इन टू वन बाई आर, ठीक है। और अगर हम चार्ज का एक्सप्रेशन निकालें तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एंड डी टी डी टी विल गेट कैंसिल, एंड वॉट यू गेट डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई आर। याद रखिएगा माइंड में, जो फाई है ये बी डॉट ए है, या आप इसे बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट नोट है, जो कि कंक्लूजन है इस टॉपिक का, वो ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, वेयर एज इंड्यूस करेंट एंड इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। यानी कि ईएमएफ को रेजिस्टेंस से कोई भी डायरेक्ट उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन करंट और जो चार्ज है वो सर्किट का रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।